Hello and welcome to DM But Commerce Institute, a place for all the rankers. चलिए तो आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं कुछ अनयूजुअल वॉइसिस के साथ. अब देखो, वॉइस में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, मोडलॉग्स इज परफेक्ट फॉर्म के वॉइस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये टेंसेस वाले जितने भी वॉइसिस हैं वो तो आप लोगों ने अच्छे से देखे हुए हैं. 8, 9, 10th में ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ी हुई भी है. लेकिन होता क्या है कि जब हम 11th और 12th में होते हैं तो कुछ नया वॉइस में भी देखने को मिलता है. हाँ, इतना नया भी नहीं होगा ये मैं मानता हूं, लेकिन ये चीज तो बिल्कुल से सही है कि कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ नया आपको यहां जरूर से दिखेगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं एब्सोल्युटली वॉइस ऑफ हैविंग प्लस V3 से. अब ये हैविंग प्लस V3 है क्या? अब वैसे देखा जाए तो ग्रामेटिकल लैंग्वेज में हम हैविंग प्लस V3 को बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल. यस, ग्रामेटिकल लैंग्वेज में दे आर नोन एज परफेक्ट पार्टिसिपल. लेकिन अगर उसकी एक एक्टिव वॉइस की अगर चाबी की अगर बात करें तो उसकी एक्टिव की चाबी बनती है हैविंग प्लस V3. ज्यादातर अगर आप देखोगे तो ऐसे हैविंग प्लस V3 आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, सेंटेंस के शुरुआत में ही आपको देखने को मिल जाएंगे. तो यहां पे देखो हमें क्या करना है, तो अब हैविंग प्लस V3 वाले सेंटेंसेस को हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है. अब ये काम हम किस तरह से करेंगे, जस्ट हैव अ लुक एट द की ओनली. चलिए सबसे पहले अगर आप कोई भी चीज देखते हो और अगर आपको किसी भी सेंटेंस में अगर हैविंग प्लस V3 दिख जाता है, ऐसे मान लीजिए कि अगर आप कोई भी सेंटेंस देखते हो और अगर उस सेंटेंस में आपको कहीं पर भी हैविंग प्लस V3 अगर दिख जाता है, सबसे पहली चीज मैं हमेशा ही ये चीज बोलता ही रहूंगा और बोलता ही आया हूं कि जैसा ही जब भी आप कोई भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, जैसे ही सेंटेंस आपके हाथ में आता है, सबसे पहले सेंटेंस में से आपको क्या ढूंढना है भाई, ऑब्जेक्ट ढूंढ लेना है. और जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे आपको लेके कहां पे आना है, सेंटेंस के शुरुआत में लाना है. तो द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू व्हाइल वी कन्वर्ट एन एक्टिव वॉइस इनटू अ पैसिव वॉइस, तो हमें केवल एक ही चीज करनी है कि सबसे पहले हमें सेंटेंस में से क्या ढूंढ लेना है, ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेना है. और ऑब्जेक्ट को उठा के कहां पे लाना है, सेंटेंस के शुरुआत में लाना है. तो यहां पर भी सबसे पहला वाला जो नेक वाला काम है हम वही करेंगे कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम कहां पे लेके आएंगे, सेंटेंस के शुरुआत में. अब कई सारे बच्चे यहां पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं मेरे को कि सर ऑब्जेक्ट मेरे को सेंटेंस में कहां से मिलेगा. इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का ढूंढना बड़ा आसान है. क्यों? तो अगर आप देखोगे तो हैविंग प्लस V3 में ये जो कोई भी आपका V3 है उस V3 के बाद में एग्जैक्ट इस जगह पे, यस एग्जैक्ट इस जगह पे कोई भी सेंटेंस अगर आप उठा के देख लेंगे तो V3 के बाद में एग्जैक्ट इस जगह पे आपको जो कोई भी वर्ड दिया है वो वर्ड अपना ऑब्जेक्ट है. हमें और ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, V3 के बाद में हमें जो कोई भी ऑब्जेक्ट दिया है उसको कहां पे लेके आ जाओ, सेंटेंस के शुरुआत में लेके आ जाओ. तो आ गया अपना ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमें क्या लेना है, तो ऑब्जेक्ट के बाद हमें लेना है हैविंग. अब एच कैपिटल नहीं आएगा क्योंकि कई बार हैविंग सेंटेंस के शुरुआत में रहते हैं तो हमको आदत लग जाती है कि एच कैपिटल करते हैं. हाँ, शुरुआत में तो कैपिटल करना जरूरी है, यू नो दैट वेल. लेकिन जब उसे पैसिव में हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट का पहला वाला वर्ड कैपिटल ले लो, उसके बाद हैविंग. हैविंग के बाद ऑब्वियसली देयर इज अनदर वर्ड, दैट वर्ड इज बीन. ओके, हमेशा याद रखो जब भी कभी भी सेंटेंस में एच ए वी हैव जैसे वर्ड्स का उल्लेख हो, फिर हैव हो, हैज हो, हैड हो, हैविंग हो, एमए प्लस हैव क्यों नहीं है. ओके, इन सभी जगह पे एक एक्स्ट्रा वर्ड डाला जाता है पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, एंड दैट एक्स्ट्रा वर्ड इज बी डबल ई एन बिन. सो बिन के बिना ये सेंटेंस पैसिव में नहीं जाएगा. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हैविंग, हैविंग के बाद क्या ले लिया हमने, बिन. चलो बिन जैसे ही आ जाएगा सीधा ही हमें क्या ले लेना,
लेना है, V3 ले लेना है। या अच्छी चीज ये है, बहुत सारे बच्चे ने बहुत सारे बच्चे V1 V2 V3 को याद नहीं करते। वैसे देखा जाए तो इट इज फ्रॉम योर 7th स्टैंडर्ड, बट कई बार क्या होता है कि बच्चे याद नहीं रखते, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। लेकिन यहां उसकी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हैविंग के बाद एक्टिव में जो कोई भी वर्ड दिया है वो ऑलरेडी V3 है। हमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं है यहां पे, जो कोई भी अपना V3 है उठा के बिन के बाद डाल दो ना, खत्म कहानी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हैविंग, हैविंग के बाद बिन, बिन के बाद V3 तो है ही है। ओके, चलिए V3 आ जाए। अब देखो, हम सबको एक आदत लगी हुई है जब भी हम एक्टिव में से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं कि जैसे ही V3 लेते हैं हम सेंटेंस में BY बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट लेते हैं। लेकिन यहां पे कुछ अलग चीज है। यहां पे आपको और कुछ नहीं करना, यहां पे हमें बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट नहीं लेना है। ओके, मैं जानता हूं कि आप लोगों को आदत लगी हुई है कि जब भी आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जरूर से लेते हैं। लीजिए, हर जगह पे लीजिए, लेकिन हैविंग प्लस V3 में मत लीजिए। ओके, तो बस बाकी अगर कोई अदर वर्ड यहां पे दिए हैं तो वो लिखिए, बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मत लिखिए। ओके, अदर वर्ड जो तो हो लिख लीजिए, फाइन, बाद में कर दो कॉमा। और कॉमा के बाद जो दूसरा वाला सेंटेंस है, ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है कॉमा के बाद में, उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो वैसे का वैसे। लास्ट में बड़ा सा फुल स्टॉप हमें कर देना है, नथिंग एल्स। ओके, सो व्हेनेवर यू विश टू कन्वर्ट हैविंग प्लस V3 इनटू अ पैसिव वॉइस, योर पर्टिकुलर की यू कैन सी, यू कैन व्यू ऑन द स्क्रीन ओनली। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हैविंग, हैविंग के बाद बिन, बिन के बाद V3। ओके, बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट लिखना ही नहीं है। तो केवल आप करते क्या हो बेटा, केवल एक ही चीज करते हो, ऑब्जेक्ट को ढूंढते हो, वो भी V3 के बाद में मिल ही जाएगा, उसको लेके आते हो सेंटेंस की शुरुआत में। उसके बाद आप क्या करते हो, तो उसके बाद आप ज्यादा कुछ नहीं करते हो, हैविंग प्लस बीन लिख देते हो, V3 तो अपने पास है ही है तो वो भी डाल देंगे। ओके, और ऑब्वियसली बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट तो लिखना ही नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली चीज ही नहीं आएगी। चलिए एग्जांपल लेते हैं, शायद चावी से ज्यादा अच्छी तरह से आपको एग्जांपल देखने से आएगा। तो चलिए, वी आर गोइंग फॉर द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, हैविंग ईटन लंच मनीष लेफ्ट फॉर ऑफिस। चलिए, सो इजी इज दैट सेंटेंस, हैविंग ईटन लंच मनीष लेफ्ट फॉर ऑफिस। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि जैसे ही सेंटेंस आपके हाथ में आता है द वेरी फर्स्ट कंपलसरी चेक इज, सबसे पहले सेंटेंस में से क्या ढूंढ लीजिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां से मिलेगा, ऑब्वियसली V3 के बाद में। V3 यहां पे कौन सा है, ईटन। ये भी बच्चों याद रखना, ईटन में हमेशा ही एक टी आता है, डबल टी नहीं आता है। चलिए, तो ऑब्वियसली माई ऑब्जेक्ट इज हियर लंच, लंच को उठा के मैं लाऊंगा सेंटेंस के शुरुआत में, एल कैपिटल करना मैं भूलने वाला नहीं हूं। तो चलिए, सबसे पहले आ गया मेरा लंच। ओके, अब मैंने पहले ही सेंटेंस में देख लिया, हैविंग प्लस V3 है मेरा सेंटेंस में, तो लंच, लंच के बाद क्या लेंगे, हैविंग प्लस बीन प्लस V3। ओके, तो ऑब्वियसली लंच, हैविंग, बीन और V3 यहां पे कौन सा है, ईटन, EATEN, ईटन। चलो, मैंने क्या बोला है, यहां पे कुछ भी कर लो, अगर अदर वर्ड्स यहां पे होते तो मैं डालता, लेकिन कभी भी बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मुझे नहीं डालना है यहां पे, सीधा ही करेंगे कॉमा। तो लंच हैविंग बीन ईटन कॉमा मनीष, कितना आसान, मनीष लेफ्ट फॉर ऑफिस, राइट। मैं जानता हूं कि ये सारी चीजें हैं आसान, लेकिन जब तक आप उसको एक बार देख नहीं लेंगे ना, आपको आएगा नहीं। ओके, अगर समझ लो कि ये सीधा ही आपकी एग्जाम में आके खड़ा रह जाएगा तो आपको दिक्कत में ला सकता है, लेकिन अगर एक बार ये तीन सेंटेंस देख लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। दैट्स व्हाई आई कॉल दिस सेंटेंस इज अनयूजुअल काइंड्स ऑफ वॉइस, वो डिफिकल्ट नहीं है, कुछ अलग है। चलिए नंबर दो की ओर बढ़ते हैं। ओके, हैविंग ड्रॉप्ड एन एटम बॉम्ब शैशर फ्लू हरीली, शैशर flew hurriedly. Okay, so having dropped an atom bomb, comma, Shasher flew hurriedly. Shasher, you might have forgotten, lekin 8th of August, you should never ever forget. And if we forget, Japanese could never ever forget this. Okay, क्यों? Hiroshima Nagasaki, उस पे जो भी प्लेन एटम बम गिरा के गया था, उस प्लेन का नाम था Shasher. उस प्लेन का नाम क्या था? Shasher था. So having dropped an atom bomb, comma, Shasher flew hurriedly.
चलिए हमें और कुछ लेना देना नहीं है, हमें सबसे पहली चीज क्या करनी है, तो मैंने देखा कि सेंटेंस में हैविंग प्लस वी थ्री है। अगर सेंटेंस में हैविंग प्लस वी थ्री है तो सबसे पहले मैं सेंटेंस में से क्या ढूंढूंगा, ऑब्जेक्ट। मेरा ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, एन एटम बम। उठा के मुझे कहां पे लाना है, सेंटेंस की शुरुआत में। तो सबसे पहले एन ए कैपिटल, एन एटम बम, मैंने ले लिया यहां पे एन एटम बम। ओके चलिए, एन एटम बम यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद में हैविंग प्लस बीन प्लस वी थ्री, कितना आसान। तो एन एटम बम हैविंग, उसके बाद में बीन, उसके बाद में ड्रॉप्ड। चलिए ड्रॉप्ड, ओके कोई ऑड वर्ड्स यहां पे है नहीं तो मेरे को डालने भी नहीं है, बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी मेरे को नहीं डालना, कर दूंगा मैं तो केवल कॉमा। तो देख लो, एन एटम बम Having been dropped, comma, Shasher flew hurriedly. Last में कर दो, full stop. Okay, so an atom bomb having been dropped, Shasher flew hurriedly. Nothing else you are supposed to do. Okay, quite an easy one. चलिए चलते हैं last वाले पे. Okay, the girl having made some paper birds. कॉमा शी वेंट टू बेड। अब देखो यहां पे आपके जिसने भी ये सेंटेंस डाला हुआ है थोड़ा ज्यादा उसका मगज उसने इस्तेमाल किया है, नो इश्यू विद दिस भाई, ओके हम भी कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए द गर्ल हैविंग मेड सम पेपर बर्ड्स, देखो सबसे पहले तो मैंने जो बोला है उसी तरह से आगे बढ़ो। द गर्ल हैविंग मेड सम पेपर बर्ड्स, द गर्ल हैविंग मेड सम पेपर बर्ड्स में ऑब्जेक्ट कौन सा है, वी थ्री कौन सा है, मेड। मेड के बाद क्या दिया हुआ है, सम पेपर बर्ड्स, उसी को लेके आओ सेंटेंस की शुरुआत में। तो सबसे पहले आएगा सम पेपर बर्ड्स, चलिए सम पेपर बर्ड्स को मैंने सेंटेंस के शुरुआत में ले लिया। मैंने क्या बोला, अपनी चाबी अनुसार ही आगे जाओ, ओके तो हैविंग प्लस बीन प्लस वी थ्री, तो सम पेपर बर्ड्स हैविंग बीन मेड। चलिए मैंने यहां पे देखा कोई अदर वर्ड्स तो है नहीं, बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मेरे को लिखना नहीं है, तो मैं सीधा क्या करूंगा, कॉमा। आप सोचोगे सर इस द गर्ल का क्या करना है, रुको जरा समझा रहा हूं बेटा। ओके कौन सा वाला वर्ड है यहां पे, देखो शी, ये गौर से देखो ये शी यूज किसके लिए किया गया है, तो शी यूज किया गया है गर्ल के लिए, तो मैं और कुछ नहीं करूंगा बेटा, कॉमा के बाद यहां पे जो शी है, जो प्रोनाउन है जो गर्ल के लिए यूज किया गया है, शी की जगह पे मैं केवल लिख दूंगा द गर्ल। सो इजी इज दैट, ओके सो सम पेपर बर्ड्स हैविंग बीन मेड कॉमा द गर्ल went to bed. Last में कर दो, full stop. Nothing else can come. Okay. So these are the sentences. Some paper birds having been made, comma, the girl went to bed. Okay. तो कुछ इस तरह से आप having plus v3 का voice बना तो सकते हो। I hope आपको पूरी चीज मालूम पड़ गई होगी। चलिए कुछ नई चीज से आगे बढ़ते हैं अब। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं वॉइस ऑफ टू बी टू की तरफ। अब ये पढ़ने में काफी फनी सा लग रहा है लेकिन करने में इतना ही आसान है, वॉइस ऑफ टू बी टू। अब पूछोगे सर ये वॉइस ऑफ टू बी टू क्या होता है, ओके तो बेटा इतना ही ध्यान से समझ लो कि आप जब भी कोई भी सेंटेंस अगर देखो, अब टू बी फॉर्म्स कौन कौन से हैं, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट में टू बी फॉर्म्स आर एम is and are, yes 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 मैं जानता हूं आप बोलते हो is am are, क्यों बोलते हो I don't know, लेकिन मैं सिक्वेंस से जाता हूं, that is am is and are, okay। और अगर पास की बात करें तो पास के टू बी फॉर्म्स आते हैं was या तो वो, okay तो obviously these are the to be forms। तो यहां जो कोई भी अपना टू बी है, ये टू बी अगर प्रेजेंट की बात चल रही है तो एम इज या आर होगा, अगर पास्ट की बात चल रही है तो ऑब्वियसली वॉज या वर होगा, ओके सो दीज आर द टू बी फॉर्म्स। और यहां पे होता क्या है, तो यहां जब भी आप कोई भी एक्टिव वॉइस देखोगे तो ये जो कोई भी आपके एम इज आर या वॉज वर है उसके बाद हमें टी ओ टू दिया गया होगा, उसके बाद हमें क्या दिया गया होगा भाई, टी ओ टू दिया गया होगा, ओके तो जब भी आप एम इज आर और वॉज वर प्लस टी ओ टू वाले सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं दैट इज नोन एज अ वॉइस ऑफ टू बी टू। तो जब भी
आप कोई भी एक्टिव वॉइस देखते हैं और ऐसा मान लीजिए, ऐसा समझ के चलिए कि अगर हमें एक्टिव वॉइस में कुछ इस तरह की चाबी अगर दिख जाती है कि जिसमें एमिजार या वॉजवर जैसे वर्ड हो और एमिजार और वॉजवर के बाद TO2 वर्ड का इस्तेमाल अगर किया गया हो, तो ऐसे टू बी टू वाले सेंटेंस को हम पैसिव में किस तरह से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत एब्सोल्युटली चाबी से करते हैं। ओके, अब सबसे पहले तो एक चीज आप समझ लीजिए, मैं हमेशा ऐसे ही बोलता आया हूं, दोबारा रिपीट करूंगा कि जैसे ही जब भी आप कोई भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हो, सबसे पहली चीज जैसे ही सेंटेंस आपके हाथ में आता है, सबसे पहले आपको सेंटेंस में से क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढ ही लेना है। तो सबसे पहली चीज जैसे ही सेंटेंस आपके हाथ में आए, सबसे पहले आपको सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट ढूंढ ही लेना है और ऑब्जेक्ट को उठा के कहां पे लाना है, सेंटेंस के शुरुआत में लाना है। तो यहीं पर हम भी वही काम करेंगे कि सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे और लेके आएंगे सेंटेंस के शुरुआत में। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, आई रिपीट माय वर्ड्स, एक्टिव वॉइस में जो कोई भी एमिजर और वॉजवर होगा, दैट दोज वुड बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में आप जो कोई भी यहां पे ऑब्जेक्ट के बाद एम इज आर या वॉजवर डालोगे, दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें या तो एम लेना है, या तो इज लेना है, या तो आर लेना है, या तो वॉज लेना है, या तो वर लेना है। तो ऑब्जेक्ट के बाद आप जो कोई भी एमिजर और वॉजवर डालोगे, धोज विल बी अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम एमिजर और वॉजवर को तो ले ही लेंगे। तो सबसे पहले आ गया अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आ गया एमिजर और वॉजवर। अब देखो ये एमिजर और वॉजवर से ये जो कोई भी अपना TO2 है उसको आप अलग नहीं कर पाओगे, तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। एमिजर और वॉजवर के बाद हम भी पैसिव में क्या डाल देंगे, TO2 डाल देंगे। अब इसको हमें पैसिव में किस तरह से कन्वर्ट करना है, हम ऑब्जेक्ट तो लेके आ गए, ऑब्जेक्ट के अनुसार एमिजर और वॉजवर को डाल दिया, उसके बाद टू को भी डाल दिया। अब इसको अगर पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो वी नीड टू हैव एन एक्स्ट्रा वर्ड एंड दैट वर्ड इज बी। जिस तरह से हैव हैज हैड या हैविंग में आता है BWN बिन, वैसे ही TO2 वाले सेंटेंस को जब भी आप पैसिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, द एक्स्ट्रा वर्ड दैट एक्स्ट्रा स्ट्रोक विल बी BEB। वो कौन सा वाला वर्ड होगा, BEB हमें सेंटेंस में डालना ही होगा। तो ले लिया भाई हमने BEB, जैसे ही BEB आ जाएगा, जो कोई भी सेंटेंस में अपना वर्ब होगा उसका V3 हमें यहां पर लाना पड़ेगा। समझ लो यहां V3 आसानी से नहीं मिलने वाला। ओके, हैविंग प्लस V3 में तो V3 ऑलरेडी एक्टिव में था ही, यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे आपको जो भी वर्ब उसके प्योर फॉर्म में यानी कि V1 का फॉर्म दिया गया होगा, V1 को आपको V3 में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। ओके, तो आ गया अपना V3। ओके, अब V3 आ जाएगा तो V3 के बाद हमें क्या लेना है बेटा, तो V3 के बाद हमें लेना है बाय। ऑब्वियसली हर वॉइस में आता है, हमने केवल हैविंग प्लस V3 में ही जाने दिया था कि यहां हमको बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट नहीं लेना। ओके, लेकिन यहां टू बी टू में लेना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बाय आ गया और बाय के बाद हम बेटा क्या ले लेंगे, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, नो इश्यू विद दिस। ओके राइट, तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट यानी जो कोई भी सेंटेंस के शुरुआत में अपना सब्जेक्ट है उसको हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। यू नो दैट वेल कैसे किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लेंगे एमिजर या वॉज वर्ड, उसके बाद लेंगे TO2, TO2 के बाद आएगा BEB, भूलना नहीं है इस वर्ड को, BEB के बाद लेंगे V3, V3 के बाद आएगा बाय, बाय के बाद रहेगा सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, नथिंग एल्स कैन कम। चलिए, तो नाउ वी आर रीडिंग टॉवर्ड्स थ्री मोर सेंटेंसेस, नाउ वी आर हेडिंग टॉवर्ड्स थ्री मोर सेंटेंसेस। तो देख लेते हैं ये थ्री मोर सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे। ओके, पहला वाला सेंटेंस गौर से देखो बेटा, आई एम टू फिनिश माई वर्क। ओके, जरा इसको मुझे ओवरराइट करना पड़ेगा, नो इश्यू विद दिस, आई एम टू फिनिश माई वर्क। ओके, बढ़िया वाला सेंटेंस है आई एम टू फिनिश माई वर्क। अब देखो आई एम टू फिनिश माई वर्क भले ही दिया गया हो, इतना तो मालूम है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्वियसली माई वर्क। ओके, सालों से पढ़ रहे हो आप ये सारी चीजें, तो आपको ऑब्जेक्ट का पता होना ही चाहिए। आई एम टू फिनिश माई वर्क, इसमें जो कोई भी मेरा ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट इज माय वर्क, उठा के मैं कहां पे लाऊंगा, सेंटेंस की शुरुआत में लाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आ जाएगा माय वर्क। ओके, सो आई गॉट इट राइट, सो माय वर्क आ चुका है। अब देखो आई के साथ क्या आता है, एम, यू नो दैट वेल, आई के साथ क्या आता है, एम, लेकिन माय वर्क के साथ क्या आएगा, इज।
ओके मैंने पहले ही बोला कि एक्टिव में जो कोई भी एम इज आर और वॉज वर है दोज आर अकॉर्डिंग टू एक्टिव वॉइस, लेकिन पैसिव में आप जो कोई भी एम इज आर और वॉज वर को डालोगे दोज विल बी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो यहां आई के साथ एम सेट होता है लेकिन माई वर्क के साथ तो ईजी लेना पड़ेगा, सो सिंपल इज दैट। ओके चलिए उसके बाद टी ओ टू, चाबी हमेशा याद रखिए। ओके कीज आपको हमेशा ही क्रैम करके रखनी है क्योंकि जब भी आप कीज को क्रैम करोगे वो मार्क को क्रैक करेगी। ओके सो माई वर्क इज टू, माई वर्क इज टू। ओके चलिए एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा डालना है यहाँ पे, बीई बी, तो डाल देंगे बीई बी। सो माई वर्क इज टू बी फिनिश का क्या करोगे, फिनिश्ड। ओके इसका विधि तो बड़ा आसान था। ओके ले लिया हमने फिनिश, सो माई वर्क इज टू बी फिनिश। ओके जैसे ही वी थ्री आता है वैसे ही हमें क्या लेना है, बी वाई बाय, और बी वाई बाय के बाद क्या लेना है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो आई काम क्या कर देंगे बेटा, तो आई काम कर देंगे मी, लास्ट में फुल स्टॉप तो भूलना ही नहीं है। तो सेंटेंस क्या बना, माई वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी, सो इजी इज दैट, माई वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी, दैट्स क्वाइट इजी। ओके चलिए दूसरे वाले की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके अब दूसरा वाला सेंटेंस भी देख लो, द सी एम वॉज टू अवार्ड अवर प्रिंसिपल, क्या बात है बॉस, द सी एम वॉज टू अवार्ड अवर प्रिंसिपल, चलो चलते हैं। ओके काफी आप लोगों को दिक्कत दी इसलिए अवार्ड दे रहे शायद। ओके द सी एम वॉज टू अवार्ड अवर प्रिंसिपल, सबसे पहले 100 बात की एक बात, जैसे ही सेंटेंस हाथ में आएगा सबसे पहले ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट कौन सा है, अवर प्रिंसिपल, उठा के कहां पे लाएंगे, सेंटेंस की शुरुआत में। तो सबसे पहले लेंगे अवर प्रिंसिपल, चलिए ओके चलिए अपना आचार्य श्री तो आ गए सेंटेंस की शुरुआत में, अवर प्रिंसिपल। अब देखो द सीएम के साथ भी वॉस, प्रिंसिपल के साथ भी वॉस, दोनों सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, तो वॉस का वॉस वैसे का वैसा, नो इश्यू विद दिस, तो अवर प्रिंसिपल वॉस। उसके बाद क्या लोगे भाई, टी ओ टू, टी ओ टू तो भूलना ही नहीं है, तो वी हैव टू टेक टी ओ टू। तो देख लीजिए अवर प्रिंसिपल वॉस टू। ओके अब ज्यादा एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा डालोगे बेटा यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा वर्ड विल बी बी। ओके सो अवर प्रिंसिपल वॉस टू बी। अब देखो यहाँ पे अपना वर्ब कौन सा है, अवार्ड, अवार्ड का वी3 क्या होता है, अवार्डेड, तो ऑब्वियसली अवर प्रिंसिपल वॉस टू बी अवार्डेड, चलिए गौर से अवार्डेड। ओके सो अवर प्रिंसिपल वॉज टू बी अवार्डेड, जैसे ही आपने ले लिया V3 ले लो भैया बाय। ओके और बाय के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यहां लिखना है बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यहां लिखना है कंपलसरी चेक है यहां पे, तो द सीएम बाय द सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, कर दीजिए लास्ट में फुल स्टॉप। ओके सो अवर प्रिंसिपल वॉज टू बी अवार्डेड बाय द सी एम, तो इस तरह से कुछ सेंटेंस बनेगा। चलिए लेट्स गो फॉर द लास्ट वन। ओके चलिए वी आर टू फाइट द बैटल, क्या बात है बॉस, वी आर टू फाइट द बैटल। ओके अब सबसे पहले वी आर टू फाइट द बैटल में सबसे पहले ढूंढेंगे तो ऑब्जेक्ट को ही, तो वी आर टू फाइट द बैटल में ऑब्जेक्ट कौन सा है, द बैटल, तो यस आई एम गोना राइट डाउन लाइक दिस द बैटल। चलिए अब देखो वी के साथ तो आ रहेगा लेकिन बैटल के साथ तो क्या आएगा, इस, अब ये तो बिल्कुल कॉमन सी सेंस है आपको मालूम ही है यार, द बैटल इज। ओके बाद में ले लो टी ओ टू, टी ओ टू के बाद क्या डालोगे, बीई बी डालोगे, तो डाल दो बी, द बैटल इज टू बी। अब बी डाला तो वी3 लेना पड़ेगा, फाइट, फाइट का V3 क्या होगा बेटा, फॉट, एफ ओ यू जी एच टी। ओके द बैटल इज टू बी फॉट। ओके जैसे ही आपने V3 डाल दिया वैसे ही डाल दो यहां पे बाय। ओके और बाय के बाद सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट यानी वी का हम क्या करेंगे यहां पे बेटा, अस, कर दो फुल स्टॉप। ओके तो सेंटेंस आसानी से बन चुका है यहां पे, द बैटल इज टू बी फॉट बाय अस। तो इस वीडियो की ये दूसरी चीज थी, दूसरा अनयूजुअल सा वॉइस था दैट वी कैन से, लेकिन वी आर नॉट एंडिंग हियर, यस वी आर नॉट एंडिंग हियर, वी आर गोइंग फॉर द थर्ड वन, इवन गौर से देखो बेटा ये वॉइस है, इतनी आसानी से आपको छोड़ने वालों में से नहीं है ये, तो ये तो दिक्कत थोड़ी बहुत देगा ही देगा, यहाँ बहुत सारी चीज है जिसे आपको याद रखना ही होगा। यस आई नो वीडियो थोड़ा लेंदी बन रहा है लेकिन क्या करे। चलिए नाउ वी आर गोइंग फॉर हैव टू, हैज टू एंड हैड टू। कई बार क्या होता है कि हमें सेंटेंस में हैव टू, हैज टू या हैड टू, समटाइम्स विल हैव टू जैसे भी वर्ड हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके अब ये जब भी हम हैव टू, हैज टू या हैड टू को अगर हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से हम उसको पैसिव में कन्वर्ट कर पाएंगे, वहीं सबसे पहले सोचने वाली बात है। देखो आगे टू बी टू दा और यहां पे क्या है, हैव टू, हैज टू, हैड टू, और एक और वर्ड मैं डाल रहा हूं दैट इज विल हैव टू, हो सकता है यहां पे, नो इश्यू विद दिस, लेकिन चाबी हम इसके अनुसार ही बनाएंगे।
चलिए सबसे पहली चीज क्या करेंगे, तो सबसे पहली चीज हमेशा जब एक्टिव इनटू पैसिव करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, लेके कहां पे आओगे, सेंटेंस की शुरुआत में। तो चलो सेंटेंस के शुरुआत में ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया है, नो इश्यू विद दिस। ओके चलिए, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को ले लेंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हमें क्या लेना है, या तो हैव टू लेना है, या तो हैज टू लेना है, या तो ऑब्वियसली हैड टू लेना है, या तो एक वर्ड डाल ही देता हूं, चलिए विल हैव टू लेना है। ओके चलिए इतनी चीजें सबसे पहले कर लीजिए। ओके अब ये हैव टू, हैज टू और विल हैव टू को समझ लो बेटा। एक्टिव वॉइस में जो भी हैव टू या हैज टू होगा, गौर से सुनो, एक्टिव वॉइस में जो कोई भी हैव टू या हैज टू होगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, और पैसिव में यहां पर आप जो कोई भी हैव टू या हैज टू डालोगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। समझे, यहां जो हैव टू और हैज टू है दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन आप पैसिव में जो कोई भी हैव टू या हैज टू डालोगे दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब दो चीजों में बिल्कुल दिक्कत वाली चीज नहीं, अगर सेंटेंस में हैड टू दिया है कोई दिक्कत नहीं, सीधा ही हैड टू डाल दो, क्योंकि हैड टू कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ हैड टू ही रहेगा। और विल हैव टू में भी टेंशन मत लो, विल हैव टू बी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो या सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट हो या प्लूरल ऑब्जेक्ट हो, सबके साथ विल हैव टू ही रहेगा। तो जब भी सेंटेंस में हैड टू या विल हैव टू दिखे कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, वही हमें सेंटेंस में डाल देना है। लेकिन अगर हैव टू या हैज टू अगर सेंटेंस में दिखते हैं तो इतना याद रखना कि हैव टू और हैज टू एक्टिव में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होंगे, और पैसिव में हैव टू और हैज टू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होंगे। ये छोटी सी चीज याद रखिएगा, वैसे ये भी कॉमन सेंस वाली चीज है, आसानी से आई जाएगी, लेकिन फिर भी बीइंग अ टीचर इट्स माय प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू दिस। सो ऑब्जेक्ट के बाद हैव टू, हैज टू या हैड टू या विल हैव टू आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, तो बेटा देख लो यहां पे भी टू तो है ही है, तो टू के बाद डेफिनेटली व्हाट वी आर गोना टेक, तो टू के बाद हम ले लेंगे बीई बी, तो ले लिया भाई हमने बीई बी, सो सिंपल इज दिस। ओके और बीई बी के बाद लेंगे वी थ्री। ओके यहां पर भी जो कोई भी हमारा वर्ब है वो वी वन में होगा, उसको वी थ्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये कोई हैविंग प्लस वी थ्री तो है नहीं कि जिसमें हमें बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, नहीं यहां पे हमें लिखना है, तो वी थ्री के बाद लेंगे बाय, और बाय के बाद क्या करोगे बेटा, वही पुराना सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट आ ही जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप तो बनता है, सो सिंपल इज दिस। ओके तो कुछ इस तरह से आप सेंटेंस को कन्वर्ट कर पाओगे पैसिव में विद द हेल्प ऑफ दिस की, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ दिस कीज। ओके चलिए तो सेंटेंस की शुरुआत भी करते हैं वन बाय वन। ओके लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट सेंटेंस। ओके चलिए, वी हैव टू सिक शेल्टर, क्या बात है बॉस, वी हैव टू सिक शेल्टर, या ऐसे ऐसे मैंने वी वन लिए हैं कि जिसका वी थ्री में आपको तकलीफ हो सकता है, तो गौर से जरा देखिएगा, वी हैव टू सिक शेल्टर। अब वी हैव टू सिक शेल्टर, उसमें मेरा जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, शेल्टर, तो आई एम गोइंग फॉर शेल्टर। चलिए भाई मैंने वो शेल्टर यहां पे ले लिया। अब देखो वी के साथ हैव टू दैट्स ऑब्वियस, लेकिन शेल्टर के साथ क्या रहेगा, हैज टू रहेगा, तो शेल्टर के साथ आएगा हैज टू। मैंने पहले ही बोला कि जब भी एक्टिव वॉइस में हैव टू या हैज टू हो तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना, क्योंकि यहां हैव टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और यहां हैज टू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये छोटी सी चीज है, शायद ध्यान रखोगे तो आ ही जाएगी, शेल्टर हैज टू। अब शेल्टर हैज टू के बाद कौन सा वर्ड है, बी, तो हम भी लेंगे बी। बी के बाद क्या आएगा, वी थ्री। अब यहां पे कौन सा वाला वर्ड है बेटा, सिक। सिक का वी थ्री क्या होता है, सॉट। कई बार इस तरह के वर्ड हमें नहीं मालूम होते, एस ओ यू जी एच टी, इसीलिए बोलता हूं वी वन वी टू वी थ्री पढ़ो, शेल्टर हैज टू बी सॉट। अब जैसे ही हम लोगों ने यहां पे ले लिया है बेटा वी थ्री, तो वी थ्री के बाद तो आएगा बाय, और बाय के बाद वी का क्या करोगे, अस करना ही पड़ेगा। ओके सो यहां सेंटेंस बनता है शेल्टर हैज टू बी सॉट बाय अस। चलिए कुछ नया करते हैं। ओके चलिए, दे हैड टू सेंड द ईमेल। अब चलो यहां पे हैड टू है तो कोई दिक्कत नहीं है, हैड टू किसी भी पोजीशन में हैड टू ही रहेगा। दे हैड टू सेंड द ईमेल, तो यहां मेरा जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कौन सा वाला है, द ईमेल, तो ले लेंगे सेंटेंस की शुरुआत में द ईमेल। चलो बढ़िया किया द ईमेल। ओके
चलिए तो ईमेल आ गया। अब देखो यहाँ पहले से ही हेड टू है तो कोई दिक्कत नहीं, देख के साथ भी हेड टू रहता है, ईमेल के साथ भी हेड टू ही रहता है, तो हम भी डाल देंगे हेड टू को, नो इश्यू विद दिस, द ईमेल हेड टू। उसके बाद क्या करोगे, बीईबी, ओके, वी थ्री, सेंड का वी थ्री क्या होता है बेटा, सेंट, SENT, सेंट सबको आता है, द ईमेल हैड टू बी सेंट। जैसे ही वी थ्री ले लिया क्या करोगे, BY, बाय, और धे का क्या कर दोगे, THEM, them, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ओके, तो ऑब्वियसली माई सेंटेंस वुड बी लाइक दिस, द ईमेल हैड टू बी सेंट बाय them, फुल स्टॉप। चलिए लास्ट वाले पे चलते हैं आगे ना खींचते हुए, शी विल हैव टू डिसाइड इट। अब देखो विल हैव टू है तो उसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, विल हैव टू का विल हैव टू ही रहता है, यू नो दैट वेल, ओके, शी विल हैव टू डिसाइड इट, अब कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन सा है, इट लेके आओ ना सेंटेंस की शुरुआत में, तो सेंटेंस की शुरुआत में आ गया अपना इट, इट के बाद विल, वैसे का वैसा, हैव, वैसे का वैसा, टू, वैसे का वैसा, तो इट विल हैव टू, उसके बाद में डाल दो बीईबी, एब्सोल्युटली बीईबी। अब टू और टू के बाद डिसाइड लिया है, डिसाइड का वी थ्री क्या आएगा, डिसाइडेड, चलिए डिसाइडेड हो गया, तो इट विल हैव टू बी डिसाइडेड। अब जैसे ही हमने वी थ्री ले लिया सीधा ही क्या डालोगे, बीवाय, बाय, और बाय के बाद शी का क्या करोगे बेटा, हर, कर दो यहां पे फुल स्टॉप, ओके। तो आज तीन तरह के हमने ले लिए क्या, तो अनयूजुअल से वॉइस। सो हियर डीएम सर इज साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय।